मुफ्ती सलमान अजहरी की बढ़ती मुश्किलें। गुजरात के कच्छ में दूसरा मामला हुआ दर्ज। एक के बाद एक मामले दर्ज होने के बाद लोग उठा रहे हैं सवाल। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। गुजरात के जूनागढ़ में 31 तारीख को हुए कार्यक्रम में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा जो स्पीच दी गई थी, उस स्पीच के बाद मामला दर्ज किया गया। और मामला दर्ज करने के बाद जो रविवार की देर रात को घाटकोपर में तमाम बवाल के बीच उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें गुजरात ले जाया गया। एटीएस द्वारा जैसे ही गुजरात ले जाया गया, वहीं मंगलवार को दूसरी खबर ये आई कि गुजरात के कच्छ में भी उनके और एक उनके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सेम मामले का जो है इसमें धारा लगाया गया है 153B और 505 पार्ट 2। अब इसमें मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी और मामद खान, ऐसे दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, गुजरात कच्छ के अरवली ज़िले के मोड़सा में एक कार्यक्रम हुआ था और इसी कार्यक्रम को लेकर समा ख्याली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और मामला दर्ज करने के बाद आप जो है इस मामले को लेकर उनके पास ये ताबा जा सकता है। बता दें, जूनागढ़ बी डिवीज़न ने पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था, जिसमें मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब उदेदारा, इनको पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा उनको दूसरे दिन जो है गिरफ्तारी मिल पाई थी। एटीएस ने अब रिमांड लेकर के, बहरहाल एक दिन की रिमांड एटीएस को मिली है। एटीएस ने और पुलिस ने रिमांड की डेट जो है 10 दिन की मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की रिमांड को स्वीकारा। और साथ ही साथ अब इस मामले में लगातार मुश्किलें बढ़ रही है और देश में तमाम मौलानाओं को लेकर जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम बहरहाल जो भी मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा जो अपडेट मिलेगा वो जानकारी आप तक पहुँचा देंगे। लेकिन मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की ये दूसरी मामले की जो जानकारी है हमने आप तक पहुंचाई है। अब ये देखना है कि और कितने मामले जो है वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि 12 फरवरी को भी एक प्रोग्राम मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का गुजरात में होने वाला था। बहरहाल वो प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन ऐसे प्रोग्राम के पहले क्लिप को वायरल कर उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में डाला जा रहा है। ये जो 31 को बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन जूनागढ़ में जो गुना दाखिल किया था, उसमें दो अक्यूज लोकल थे और एक अक्यूज जो मुंबई से अभी जूनागढ़ में लाया गया है, उसकी अभी इंट्रोगेशन चालू है। इंट्रोगेशन के बाद आगे कल उसका जो भी इसमें आएगा वो नामदार कोर्ट में उसका प्रोडक्शन करेंगे। सर, किस बारे में कौन-कौन से जो मुद्दे हैं उसका तपास की जाएगी कल तक? तपास में जो मेन हमारे मुद्दे हैं वो इसमें कि एक तो नशा मुक्ति के नाम से जो परमिशन ली गई थी वो एक हमारे लिए मुद्दा है। नशा मुक्ति के में आड़ में जो ये प्रोग्राम हुआ और जो ये स्पीच दे गई, तो उसमें क्या वो प्री प्लान था, तो ये और इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हैं, आयोजकों ने ये प्री प्लान करके इसको बुलाया था, तो ये सब हमारे तपास के मुद्दे होंगे। अभी जो अक्यूज यहाँ जूनागढ़ में लाया गया है, तो पुलिस उसकी इंट्रोगेशन कर रही है, उसके आगे बाद ही पता चलेगा। कैसे लाया गया उसको और किस तरह से यहाँ पे? मैंने बताया, जैसे मुंबई से एटीएस की टीम थी और लोकल जो आयो था वो साथ में था, और यहाँ अभी जूनागढ़ में लाया गया। सर, एक बात, जहाँ पर ये वक्तव्य हो रहा था उसके करीब ही बी डिवीजन था, तो पुलिस को इस बारे में कुछ पता था क्या? पुलिस को ये परमिशन ऑफिशियली इसने ली थी और ये नशा मुक्ति के नाम से ली थी, तो पुलिस को पता था। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।